Good morning, everyone. I am Sunita Lodiya from St. Mary's High School. So, in Senior KG Phonics 2 textbook, we have already completed vowel, vowel A, vowel E, vowel I, vowel O, and vowel U. Okay, we have completed 5 vowels and 5 vowels related. So many words family we have already completed. So today in this video we have do some activity related vowels. Okay, we have do some activity related vowels. So here so many pictures see in our textbooks. In our textbook Phonics 2, okay, page number 24, page number 24, okay. So here, circle the picture of the given vowel sound. Circle the picture of the given vowel sound, okay. So vowel sound मैंने आपको सिखाया है, yes. So यहाँ पे दिया है बहुत सारे pictures, yes. See here. So this is E, yes. E और यहाँ पे बहुत सारे आप E related जो picture है वो दिए हैं, yes. तो आपको क्या करना है यहाँ देखना है. इसको हम बोलते हैं rat. तो ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा, यस. तो आर ए टी, तो हमको देखना है ई वाला कौन सा है, यस, ई वाला. तो यहाँ पे है, हम लोग जब हैन बोलते हैं तो हैन का स्पेलिंग क्या है, एच ई एन हैन, यस. तो हैन का जो पिक्चर है उस पे आपको सर्कल करना है, यस. हैन का जो पिक्चर है उस पे आपको सर्कल करना है. देन ये बच्चा है वो डस्टबिन में डाल रहा है कचरा, ठीक है, डस्टबिन में डाल रहा है. तो वो तो ऐसे थ्रो है ना, तो थ्रो में तो ई आता नहीं है. तो नेक्स्ट पिक्चर देखना है, ये टैडी है, टैडी. तो टैडी टैडी लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग है टी ई डी, ठीक है. आर, तो ये फर्स्ट पिक्चर है, तो बेबी इज क्राइंग, तो क्राइंग में आई आता नहीं है, सी आर आता है, यस. सो यहाँ पे सेकेंड वन है डस्टबिन, यस, है ना. तो बिन बोलते हैं इसको हम लोग, तो बी आई एन बिन. यहाँ पे है बी आई एन बिन. ये तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन का पिक्चर है. उसके बिन के बाजू में है एक बेबी, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको गले में हम कुछ पहनाते हैं, देखा है, तो वो है बिब, ठीक है. तो यहाँ पे बी आई बी बिब, बी आई बी बिब, ठीक है. उसके बाद है यू साउंड, तो यू साउंड पे देखते हैं एस यू एन सन. तो हम लोग सन, यहाँ पे ये आई जो है उस पर हम लोग बी आई, यहाँ पे है ना बिन, फिर बिब, दो पे करेंगे. फिर यहाँ पर है यू, है ना यू, तो यू फॉर
देन यहाँ पे है बॉन, ठीक है, बी यू एन बॉन। देन नेक्स्ट ए, ठीक है, ए तो है एम ए पी मैप, है ना, एम ए पी मैप। फिर यहाँ पे है सीम, सीम का पिक्चर, ठीक है, तो एस आई एम होता है तो वहां पे तो ए साउंड आता नहीं है, तो हम लोग वहां पे सर्कल नहीं करेंगे। फिर है ये पॉड, ठीक है, बी ओ डी पॉड, तो पॉड पे ए साउंड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे भी सर्कल नहीं करेंगे। फिर लास्ट वन है कैब, इसको बोलते हैं कैब, ठीक है, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब। तो आपको अपने जो टेक्स्ट बुक है हमारा फोनिक्स 2, उसमें ये वाला एक्टिविटी ये वे में आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी है कलर द लीफ ग्रीन विथ ओ साउंड, ओके, कलर द लीफ ग्रीन विथ ओ साउंड, यूज पेंसिल कलर। पेंसिल कलर मीन्स हमारे पास ऐसा पेंसिल वाला कलर होता है तो वो, या तो आप क्रेयन कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कलर ही लेना है और कोई कलर नहीं लेना, तो यहाँ पे देखो कलर द लीफ ग्रीन विथ ओ साउंड, ठीक है, तो जहाँ पे हम ओ दिख रहा है हमको तो वहाँ पे हमको कलर करना है, वो भी ये सब लीफ है तो ग्रीन कलर करेंगे, यस। तो यहाँ देखो सी यू पी, तो ये कप है, यस, तो कप पे हम लोग ग्रीन कलर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सी ओ टी, तो ओ साउंड पे हमको कलर करना है, तो सी ओ टी, सी ओ टी ये वाला जो लिफ है उस पे हम लोग कलर करेंगे, वो भी ग्रीन कलर, ठीक है। फिर है के आई डी, के आई डी किड, तो वहाँ पे ओ साउंड तो नहीं है तो वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है एच ओ पी हो, ठीक है, तो एच ओ पी हो, तो ओ साउंड आया तो एच ओ पी हो वाला जो है वो लिफ पे कलर करेंगे। उसके बाद है आर ए टी रैट, तो वहाँ पे तो ए साउंड आया तो हम लोग ए साउंड पे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है पी ई एन, तो पेन, तो वहाँ पे भी ई साउंड आया तो हम लोग वहाँ पे ग्रीन कलर नहीं करेंगे। फिर है डी ओ जी डॉग, तो ओ साउंड, यस, तो ये लीफ पे भी हमको अंदर ग्रीन कलर करना है। फिर है डब्ल्यू ई बी वैब, तो ई साउंड, सो हमको वहाँ पे भी कलर नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी में हमको 1, 2 और 3, ठीक है, सी ओ टी कॉट, एच ओ पी होप एंड बी ओ जी डॉग, तीन है हमारे लीफ, तो तीन लीफ हम लोग ग्रीन कलर से करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 2525, पेज नंबर 2525, उस पे मैंने यहाँ पे देखो ये एक हेल्प बॉक्स है ना, दिख रहा है सबको एकदम, हेल्प बॉक्स, ये हमारा हेल्प बॉक्स है, वो हेल्प बॉक्स की मदद से उनका हेल्प लेके हमको ये पूरा ब्लैंक कंप्लीट करना है, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको दिया ही है ये पैट, ठीक है, पैट का जो पिक्चर है वो दिया है, फिर लिखा है ई पी ई टी पैट, यस। फिर यहाँ पे है उसका जैसा रेड, तो हमको ये ड्रेस आउट कर देना है रेड, ठीक है, ये किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये वाला ब्लैंक में फिर क्या आएगा, तो हेल्प बॉक्स लेना है, हेल्प बॉक्स की मदद से उनका हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये टैडी का पिक्चर है, टैडी, ठीक है, तो टैड है ना, तो टैड बोलते हैं, तो ई का जो साउंड, टैड का स्पेलिंग क्या है, टी ई डी टैड,
पूरा देखो यहाँ ई, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे यू एंड यहाँ पे आई, है ना। तो ये हेल्प बॉक्स में पूरा आई वाले भी पिक्चर है, ए वाले भी पिक्चर है, यू वाले भी पिक्चर है एंड ए वाले और ई वाले सब, है ना। जो जो साउंड यहाँ पे लिखा है वो सब पिक्चर इसमें हेल्प बॉक्स में आ गए हैं। सिर्फ आपको उसका नेम पता होना चाहिए। तो टेड, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे टी ई डी टेड, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पिक्चर है बॉर्न, बी यू एन, ठीक है, बॉर्न, है ना। तो यहाँ पे हमारा यू साउंड कहाँ है, सी यू पी कप यू, दिख रहा है ना, सी यू पी कप यू। तो यहाँ पे लिखेंगे बी यू एन बॉर्न, है ना। उसके बाद है पिक्चर मैप, दिख रहा है, एम ए पी मैप। तो एम ए पी मैप, मैप का जो पिक्चर है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए साउंड कहाँ है, एम ए टी मैप, तो यहाँ पे ए है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एम ए पी मैप, ठीक है। उसके बाद है सिम, एस आई एम, एस आई एम सिम, ये पिक्चर दिख रहा है सिम, ठीक है, एस आई एम सिम। तो यहाँ पे आई साउंड कहाँ है, तो वो देखते हैं ये रहा आई, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा आई साउंड कहाँ है, तो ये रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S I M सीम, ठीक है। उसके बाद है ये बेड, है ना, पिक्चर है बेड, B E D, B E D बेड, ठीक है। तो E साउंड पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B E D बेड, ठीक है। उसके बाद है ये वाला स्पेलिंग, है ना, बग, B U G bug, ठीक है, B U G bug, तो हम लोग बोलेंगे U साउंड में, ठीक है, B U G bug, ये रहा हमारा U साउंड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bug। उसके बाद है पिक्चर है cap, C A P cap, C A P cap, तो कैप, ए साउंड, ए साउंड कहाँ है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे दूसरे वाले ब्लैंक में लिखेंगे सी ए पी कैप, ठीक है। उसके बाद है ये वाला पिक्चर, है ना, पिग, पी आई जी पिग, पी आई जी पिग, तो पिग है, तो पिग का हमको आई साउंड में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग जी पिग, ठीक है। उसके बाद है टेन, देखो बहुत छोटे हैं पर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तब पता चलेगा, ये रहा टेन। तो टेन का स्पेलिंग क्या है, टी ई एन टेन, ठीक है, टी ई एन टेन, तो ई साउंड, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई साउंड कहाँ है, ये रहा, है ना, पैट वाला, तो यहाँ ई साउंड है, तो यहाँ लिखेंगे टी ई एन टेन, ठीक है। उसके बाद है टब, बाथ टब, हम लोग ना आते हैं वैसा टब में, यस, तो टब का स्पेलिंग है टी यू वी टब, तो हम लोग यू साउंड देखेंगे, यू वाला जो जहाँ पे साउंड है वहाँ पे हम लोग टब का स्पेलिंग लिखेंगे, तो यू साउंड रहा यू यहाँ पे, है ना, कप वाला जो है उसमें, तो टी यू बी टब, ठीक है। उसके बाद है कैट, ये रहा कैट, सी ए टी कैट, तो हम लोग देखते हैं ए साउंड, ठीक है, तो ए साउंड देखना है हमको, तो ए साउंड वाला कहाँ है, ये रहा,
कुकर होता है जो खाना पकाते हैं, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं लीड, LID लीड, दिख रहा है आपको? यस, ये पिक्चर को हम लोग बोलते हैं लॉग, LOG लॉग, LOG लॉग। तो हम लोग ओ साउंड देखेंगे यहाँ पे, ओ, LOG लॉग, ये रहा ओ साउंड, ठीक है। ये देखो कॉट, COT कॉट, फिर GOD गॉड, LOG लॉग, ठीक है। उसके बाद है ये टॉप, टॉप ये खिलौना है, टॉय है, ठीक है, उससे आप लोग खेलते भी होंगे। तो टॉप का पिक्चर है TOP टॉप, TOP टॉप। तो ओ साउंड यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। सो ओ साउंड कहाँ है? COT कॉट वाला ही ओ है, तो यहाँ पे लिखेंगे TOP टॉप, ठीक है, ये रहा टॉप। उसके बाद है ये रहा पॉड, इसका ये रहा ग्रीन कलर का है, वो है पॉड, POD पॉड, ठीक है, POD पॉड। तो ओ साउंड देखना है और यहाँ पे हमको ये ओ साउंड में लिखना है POD पॉड, ठीक है, POD पॉड। तो हमारा जो फोनिक्स 2 का जो टेक्स्ट बुक है उसमें